गुलबर्गा शहर में एलएनटी के जरिए चल रहे 24/7 वाटर सप्लाई वर्क पर डॉक्टर असगर चुलबुल ने दिया बड़ा बयान। एक्स कुड़ा चेयरमैन डॉक्टर असगर चुलबुल ने गुलबर्गा हेडलाइन से बात कर कहा, बेनूतरा और भीमा नदी से डिस्ट्रीब्यूट होने वाले वाटर लाइन को ईएसआई हॉस्पिटल, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट तक बिछाया जा रहा है। लेकिन बेनूतरा भीमा नदी से ईएसआई हॉस्पिटल, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट के बीच आने वाले हागरगा और कुसनूर विलेज में 24/7 वाटर सप्लाई का प्रोविजन मौजूद नहीं है। डॉक्टर असगर चुलबुल इस इशू को लेकर एलएनटी कूड़ा और केयूआईडीएफसी डिपार्टमेंट को विजिट कर गुस्से का इजहार करते हुए नाराजगी जाहिर की है। असगर चुलबुल ने कहा, हागरगा और कुसनूर विलेज के आसपास गवर्नमेंट कूड़ा रेसिडेंशियल लेआउट्स और कई प्राइवेट अन्य जीडीए लेआउट मौजूद हैं। ये इलाका आज के दिन काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, लेकिन इस इलाके में 24/7 वाटर सप्लाई का प्रोविजन मौजूद नहीं है। डॉक्टर असगर चुलबुल ने इस इशू से जुड़ी तमाम तफसीलात बताते हुए नाराजगी जाहिर की है। This video sponsored by North Karnataka's most awaited vintage retreat resort is now open at Bidar. Villas and cottages, swimming pool and cocktail lounge, indoor and outdoor games, boat dining, sunset viewpoint, various selfie points and much more. Gulbarga mein City Corporation KIDFC ke zariye LNT ko 24/7 scheme implement karne ke liye जो टेंडर दिया गया है उसका काम चल रहा है और इस 24/7 स्कीम के ज़रिए गुलबर्गा हागरगा रोड से होते हुए एक पाइपलाइन ईएसआई हॉस्पिटल, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी और फिर एयरपोर्ट को जा रही है। तो इस दौरान मैंने जब इसका सर्वे किया तो हागरगा रोड जो SH-149 है और हमारी जो रिंग रोड है NH-150E उसको उन्होंने वहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं रखा। हागरगा रोड आप जानते हैं, यहाँ पर जब मैं जीडीए चेयरमैन था दो बहुत अहम जो लेआउट्स थे, प्रपोजल थे, जो प्रोजेक्ट थे जिसकी मंजूरी मैंने दी थी और बाद में गवर्नमेंट ने भी उसको मंजूरी दी और हागरगा जो सर्वे नंबर्स हैं वहाँ पर तकरीबन 1800 प्लाट का काम वहाँ पर जारी है और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक या 15 दिन के बाद उसका नोटिफिकेशन होगा, बाज़ाब्ता उसका ऐलान होगा। तो उसके लिए वहाँ पर 1800 प्लाट हैं और उसी तरह से कुसनूर के जो 90 एकड़ हमने लैंड खरीदी थी वो 90 एकड़ है और वहाँ पर जुमला 1470 जो प्लाट्स हैं वहाँ पर डाले गए हैं, यहाँ पर भी उन्होंने कोई प्रोविज़न नहीं रखा है। तो इस दौरान मैंने आज जो जीडीए चेयरमैन हैं अविनाश कुलकर्णी और कमिश्नर जीडीए और टीपीएम से सबसे बात की और उनको इस तरफ तवज्जो दिलाई कि कैसा आपने इतना ब्लंडर मिस्टेक किया कि यहाँ पर जब 24/7 स्कीम का यहाँ का पाइपलाइन डाली जा रही है और आपने यहाँ तक उसको देखा तक नहीं और हागरगा का जो रेसिडेंशियल लेआउट है जिसको हमने मंजूरी दी है वहाँ पर 1800 लोगों को कैसा आप वाटर सप्लाई उसकी सप्लाई करेंगे और ड्रिंकिंग वाटर कैसा उसको सप्लाई करेंगे, ये हमने उनको जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको इल्म नहीं है। तो मैंने इमीडिएटली फिर KIDFC के जो एग्जीक्यूटिवर हैं शिवकुमार पाटिल और SC कांतराजू को उनको बात की, उनको भी एक लेटर मैंने दिया है कि इमीडिएटली यहाँ पर दोनों जगह यानी हागरगा रोड पर भी और कुसनूर पर प्रोविज़न रखा जाए और यहाँ पर जो डेडिकेटेड बल्क में जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है वो प्रोविज़न यहाँ पर हागरगा सर्कल पर और कुसनूर रोड पर रखा जाए। कि आप सभी जानते हैं कि हागरगा जो रोड है जो SH-149 है बहुत तेज़ी से वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, ना सिर्फ वहाँ पर हमारा जीडे का प्रोजेक्ट चल रहा है बल्कि प्राइवेट भी कई एक जीडे से एन होने के बाद अप्रूव होने के बाद वहाँ पर कई एक प्लाट्स आ रहे हैं, यानी अराउंड अबाउट 3,000 से 4,000 वहाँ पर आने वाले दिनों में रेजिडेंशियल यानी हाउसेस वहाँ पर आएंगे, लेकिन वहाँ पर कोई ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है। तो ये हम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को और UD मिनिस्टर बरेती सुरेश जी को एक मेल के जरिए उनको लेटर लिखा है और GDA चेयरमैन और कमिश्नर से भी मैंने डिमांड किया है कि वो जल्द से जल्द इस पर तवज्जो देकर ये दोनों जगह हागरगा क्रॉस पर और कुसनूर पर इमीडिएटली उसको जो डिज़ाइन है उसका
24/7 का उसको रिवाइज कर कर यहाँ पर उसको जल्द से जल्द प्रोविजन रखा जाए। हमने जो हागरगा विलेज में जो नया लेआउट बनाने जा रहे अराउंड 120 एकड़ है, वो अराउंड 2000 प्लॉट्स। हमने जो काम करते हैं कूड़ा से रोड्स बनाते और ड्रेन्स बनाते, लेकिन बेसिक नीड इज इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी, स्पेशली पानी। बगैर पानी तो वहाँ घर भी नहीं बना सकते, इसलिए हमने वहाँ पर LNT से बात करके KUWS एंड KUIDFC इन लोगों को ये आता। मैंने LNT ऑफिसर्स को बुला के हाउ टू गिव वाटर टू दिस बिग लेआउट, जो कि 120 एकड़ का जो 50-50 इसमें हमने लिए है, वो नेक्स्ट मंथ उसे नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं हम। सो उससे पहले हमने उस लेआउट को कैसा पहुंचना, पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए वो हमने UD मिनिस्टर को बात करके, हमको डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब ने जो एक्स कूड़ा के चेयरमैन थे, उन्होंने प्रपोजल भी दिया है, उसको भी हमने बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही एक गुड प्रपोजल है। उसके बारे में हम भी चिंता कर रहे थे कि हाउ टू गिव वाटर टू दैट एरिया, इसलिए UD मिनिस्टर से भी हमने बात करके, मैं भी यहाँ से एक प्रपोजल भेज के वो LNT लोगों को बात करके, वो पानी उस लेआउट को कैसा पहुंचना बोल के हमने इसके बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू।